झारखंड के लोहरदगा में सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ कोबरा का 2 जवान घायल हो गया है। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों का नाम दिलीप कुमार और नारायण दास है। ब्लास्ट में घायल 2 जवान को मेडिका में भर्ती कराया गया है। दोनों जवान खतरे से बताए जा रहे हैं। दोनों सीआरपीएफ कोबरा 203 बटालियन का जवान है। दिलीप का पांव उड़ गया है जबकि दूसरे का कमर से ऊपर जख्म है। दोनों का ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। घायल जवान को इलाज के लिए रांची के मेडिका अस्पताल ले जाकर इलाज कराने की दिशा में पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि गुरुवार को बुलबुल जंगल में 2 जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद भी अभियान को जारी रखा गया था। इसी बीच शुक्रवार की सुबह 7 बजे फिर एक बार जोरदार ब्लास्ट हुआ है। इसी आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का कोबरा का 2 जवान घायल हो गया है, जिसे तत्काल इलाज के लिए ले जाए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का कोई भी अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।